नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में जानेंगे कि वाटरमार्क हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेज कलर हम कैसे दे सकते हैं और अपने पेज में बॉर्डर किस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए, वाटरमार्क क्या है, आप देख रहे हैं आपके सामने एक एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएस वर्ड नोट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम वाटरमार्क कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वाटरमार्क है ये हमारे कंटेंट के पीछे बैकग्राउंड के रूप में या बैकग्राउंड में हमें दिखाई दे रहा। अब कंटेंट, ये जो आप लिखा हुआ है इन सबको हम कंटेंट या टेक्स्ट या पैराग्राफ या हम अपना मटेरियल या जो भी आप बोलना चाहें आप यहाँ पे इसे कह सकते हैं। तो वाटरमार्क क्या हुआ, वाटरमार्क जो है कंटेंट के पीछे जो टेक्स्ट या कोई पिक्चर अगर लगी हुई है तो हम उसे वाटरमार्क कहते हैं। अब ये वाटरमार्क आप किस तरह से दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, देखिए हम जो है डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन ये जो टैब है आपको एमएस वर्ड 2013 में दिखाई देगा, ये मेरे सामने 2013 की विंडो ओपन है और यहाँ पे जो है आप जाएंगे वाटरमार्क पे। वाटरमार्क पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे जो है कुछ पहले से बने बनाए देखिए वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले से जिसमें से आप केवल क्लिक करके, जैसे अगर मैं कॉन्फिडेंटल में क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बने बनाए पहले से हैं हमें ये नहीं करना है, हमें कस्टम वाटर मार्क देना है, तो आपको जो है ये कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करना होगा। तो हम जो है कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करते हैं। ये हमने कस्टम वाटर मार्क में क्लिक किया तो हमारे सामने जो है देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नो पिक्चर और यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर वाटर मार्क। तो अगर आपको पिक्चर के रूप में वाटरमार्क देना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी इस रेडियो बटन में क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट पिक्चर नाम की बटन आपको दिखाई दे रही, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। आप यहाँ पे जाएंगे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, ये वर्क ऑफलाइन है, यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो है इंसर्ट पिक्चर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप इस इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में आप वहां पे जाएं जहां पे आपका इमेज या कोई लोगो रखा हुआ है। तो मैं अपने माई डॉक्यूमेंट डी ड्राइव में जाता हूं और मैं सी की बटन यानी सेंट्रल लोगो देखिए सेलेक्ट हो गया, तो मैं सेंट्रल लोगो को सेलेक्ट करता हूं और इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट करने के बाद हम जो है अप्लाई बटन में क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि पीछे जहां पे कॉन्फिडेंटल लिख के आ रहा था अब यहां पे जो है सेंटर का लोगो दिखाई देने लगा। तो इस तरह से हम जो है पिक्चर के रूप में वाटरमार्क अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको पिक्चर के रूप में नहीं करना है, कोई टेक्स्ट के रूप में करना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पे ये टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट वाले भाग में जहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ है, आप इसे जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, जैसे मुझे लिखना है एमएस वर्ड नोट्स, मैंने एमएस वर्ड नोट्स लिख दिया। अगर आपको इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे आके फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। साइज अगर आपको चेंज करना है आप साइज चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और उसका लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से हम उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने सिर्फ एमएस वर्ड नोट्स लिखा हुआ है और हम ओके बटन में क्लिक करते हैं या अप्लाई बटन में क्लिक करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड में आप ये देख रहे हैं वाटरमार्क में एमएस वर्ड लिखा हुआ आ गया। यदि आप इसका कलर चेंज करते हैं, मैं यहाँ से भी डार्क कलर ले रहा अप्लाई कर रहा, तो देखिए एमएस वर्ड ये डार्क कलर पे दिखाई देने लगा। अगर लेआउट को आप हॉरिजेंटल करते हैं तो आपका जो वाटरमार्क है टेक्स्ट वाटरमार्क वो हॉरिजेंटल पे आएगा, और अगर आप ये वाला लेआउट लेते हैं तो आपका जो वाटरमार्क है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि वाटरमार्क हम किस तरह से देते हैं। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पेज कलर। तो पेज कलर आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम जो है इसके माध्यम से पेज में कलर दे सकते हैं। देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये पेज कलर बॉक्स ओपन होता है और इस कलर बॉक्स पे आप जो भी कलर लेंगे, जैसे देखिए मैं माउस रख रहा, आप देखें पेज का कलर चेंज हो रहा, ये देखिए पेज का कलर चेंज हो रहा। तो जो भी कलर आपको लेना है ले सकते हैं। अगर आपको इन कलर के अलावा कोई और कलर चाहिए तो मोर कलर पे जाएंगे, और अगर आपको कुछ और फिल इफेक्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फिल इफेक्ट में क्लिक करता हूँ, ये मैं फिल इफेक्ट पे क्लिक, सॉरी पेज कलर और ये फिल इफेक्ट,
तो फिल इफेक्ट में देखिए आपको यहाँ से जो है कलर वन वन कलर टू कलर आप यहाँ से कलर को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रेड ले लिया, रेड ब्लैक। अब मैं यहाँ से कलर को जो है देखिए मैं यहाँ से कलर को मिक्स करके अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पेज कलर में जा करके जो भी डॉक्यूमेंट पेज है आप उसका पेज कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी इसे नो कलर कर देता हूँ, मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए। फिर आप देख रहे होंगे पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर आप समझ गए होंगे, पेज में हमें बॉर्डर लाने के लिए हम पेज बॉर्डर में क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इस डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे ये पेज बॉर्डर है। ये पेज बॉर्डर के जो है यहाँ पे कैसा चाहिए आपको, बॉक्स के रूप में चाहिए, शैडो चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे बॉक्स के रूप में चाहिए, मैं बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। ये लाइन की स्टाइल है, आप बॉर्डर में किस तरह की लाइन चाहते हैं। ये लाइन का कलर है, आप बॉर्डर में कलर किस तरह का चाहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइन जो भी आप बॉर्डर की यूज़ कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या हो। आर्ट, आर्ट मतलब यहाँ पे बने बनाए बॉर्डर के कुछ आर्ट्स होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए ये सब आर्ट दिए हुए हैं। तो जो भी आपको आर्ट अच्छा लगे तो अपन देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा। मुझे मान लीजिए ये अच्छा लग रहा, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम जैसे ओके बटन में क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर हमने सेलेक्ट किया है वो बॉर्डर हमारे पेज के चारों ओर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।